a special and a big thanks to principal ma'am जिन्होंने मेरी सपोर्ट की थी। पर मैं honestly कहूँ मैं एक भी बुक नहीं खरीदी, मैंने सारियाँ स्कूल ने प्रोवाइड की हैं, मेरी लाइब्रेरी ने प्रोवाइड की थी। मेरा सपना डॉक्टर बनने का है, इसलिए मैं डॉक्टर बनने नीट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मेरा थैंक्स है मेरे सारे टीचर्स को, प्रिंसिपल मैम को और मेरे पेरेंट्स को जिन्होंने इतना सपोर्ट किया और मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। कि मैं गर्व नाल कह सकती हूँ आई एम दी टॉपर ऑफ ब्लॉसम कॉन्वेंट स्कूल। वी थैंक्स ब्लॉसम कॉन्वेंट स्कूल। ब्लॉसम कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थियों ने चमकाया अध्यापकों ते मापियां का नाम। जगराउं लीला मेघ सिंह पिंड विखे पैंदे ब्लॉसम कॉन्वेंट स्कूल के 12वीं क्लास के विद्यार्थियों ने अपनी सख्त मेहनत सदके CBSE बोर्ड की 12वीं क्लास की परीक्षा विचों चंगे नंबर लैके स्कूल का ते मापियां का नाम रोशन किया। बच्चों ने इसका सेहरा अपने अध्यापकों ते मापियां के सिर बन्निया। ते गलबात दौरान बच्चों ने दस्सिया कि मापियां ते अध्यापकों के सहयोग नाल ही ये सफलता संभव हो सकी है। विद्यार्थियों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए दस्सिया कि वो भविष्य विच डॉक्टर, टीचर, फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं। मैम CBSE बोर्ड वालों रिसेंटली प्लस टू क्लास का रिजल्ट आउट होया है, ये बारे सारे दर्शकों कुछ दसोगे? हाँ, प्लस टू का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। 100% के पीछे साढ़े लिए एक प्राउड मोमेंट है कि साढ़े मोर दैन 50% बच्चे भी 90% तो ऊपर मार्क्स ने 95% अक्षत मैनी फर्स्ट पोजिशन उन्हें हासिल की है और बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं बच्चों ने। एक कॉन्टीन्यूस जी है ये चाहिए कि जिमें सारे पता है कि फाइनल एग्जामिनेशन नहीं हुई तो जी कॉन्टीन्यूस परफॉर्मेंस ही बच्चों की उनके आधार के उत्ते बोर्ड ने रिजल्ट दिता है तो बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट रहा ब्लॉसम कॉन्वेंट स्कूल का। मैम जिस तरह देखा गया लास्ट ईयर स्कूल ऑफ रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी चल रही है, वो स्टाफ को टीचर्स कुछ दिक्कत आई ने उन्होंने सामना किया या उस तरह की किया भी ताकि बच्चों ने इन्ने अच्छे मार्क्स आए? ये जो बच्चों ने प्लस वन के बहुत मेहनत की हुई सी उन्होंने बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया और 10वीं के रिजल्ट ने भी इंपैक्ट पाया क्योंकि जो 30% रिजल्ट है वो 10वीं का सी, जो 40% रिजल्ट सी प्लस वन का सी, जो बाकी का रिजल्ट प्री बोर्ड का ये तिना मिला के इन्हों का रिजल्ट तैयार किया। जोड़े बच्चों ने लगातार हर पेपर को इंपोर्टेंस दी है उन्होंने बच्चों की परफॉर्मेंस जी वंडरफुल है और बहुत अच्छा है कि प्लस वन का भी रिजल्ट साढ़े बच्चों का लास्ट ईयर बहुत अच्छा सी तो 10th का रिजल्ट भी अच्छा होने करके जो ओवरऑल रिजल्ट है कंपाइल्ड रिजल्ट है बहुत अच्छा है। इट इज़ अ प्रीशियस टाइम बिकॉज ड्यूरिंग जो सा पुराना टाइम सीगा जो पिछला साल सा निकलिया बिकॉज ऑफ कोरोना ऑनलाइन क्लासेज हुई हैं, स्टूडेंट्स हैव डन रियली वेरी हार्ड वर्क एंड इन द सेम इट इज़ trial, just like a trial for online classes in the beginning. But teachers really work hard, they need to work hard, but I think we about 16-17 hours a day. Instead of just like पहला होता था कि 6 hours a day ऐसे कुछ teach की तो that is enough. नहीं, later on when this pandemic starts, we have to work really very hard because it was very difficult in the beginning for the teachers to adopt a new thing. So this year the result was very very precious for the students also and for the teachers also. The RCE was a very crucial time for us. Online classes it was difficult for us. Sometimes network connection was not there, and still students also cooperated. And we are very happy that our hard work have paid us back, and we are enjoying it. Sir, मैंने बहुत बढ़िया लग रहा because student लिए भी tough time सी कोरोना एंड टीचर्स लिए तो टफ टाइम हैगा ही सी बट दोनों की कोऑपरेशन नाल बहुत टीचर्स तो स्टूडेंट्स ने मेहनत करके जिवें CBSE ने सारा मॉड्यूलेशन किया उस हिसाब नाल बच्चों का लॉस नहीं होया, बच्चों को वधिया नंबर मिलेगी क्योंकि बाकी प्लस टू है अगे जाके उन्होंने होर नंबर वधिया चाहिए होंगे। सो आ टाइम 6 बजे नंबर मिलना तो साढ़े स्कूल की प्रोग्रेस 100% रिजल्ट आना इट्स वेरी गुड थिंग। टीचर्स की, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स की बदौलत होया हुआ तो स्पैशल एंड मैं मेरा इसलिए कह रही क्योंकि सारा मेरे हर चीज़ मैंने प्रोवाइड की जाती सी। कोई भी टाइम होवे या किसी भी टाइम मैं बाहर जाके पढ़ सकती सी, जो भी मैंने स्कूल व्यू अच्छा लगता सी मैं उस जाके पढ़ती सी, गार्डन पढ़ती सी, कितने पढ़ती सी। कोई भी टीचर मैंने कभी जवाब नहीं सी दिता वैदर दे वर इन एनी क्लास और नॉट, तो वो हमेशा मेरी हेल्प लिए अगे रहते थे। चाहे मैं रात के 12 बजे कॉल करा, चाहे 1 बजे कॉल करा। ड्यू टू पैंडेमिक तो बहुत ही औखा हो गया सीगा घर रह के इतना कुछ करना, बट जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीचर्स मैं ये सब कुछ अचीव किया है। सो अ वेरी बिग थैंक्स टू दैम। तो जिस तरह तुम दस रहे हो भी तुम स्कूल किसी टाइम भी आके स्टडी करते थे, ठीक है, टीचर्स हेल्प करते, तो इस तरह कह सकते हैं कि दो घर में रह के स्टडी की, एक जितना पर्सनल देते हो, दूसरा तुहाडा स्कूल जिसमें घर बना के इसमें स्टडी की अपनी सक्सेस हासिल की। जरूर मैं कहना चाहूँगी फिर तो मैं कभी पढ़ी नहीं सी। मेरे पेरेंट्स ने इस गल का दबाव है क्योंकि उन्होंने ये लगता कि स्कूल ही सब कुछ पढ़े होंगे, तो उन्होंने कभी माइंड ही नहीं सीता मैं घर आके या मैं टीवी देखा या मैं फोन चलावा। उन्होंने इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं सी क्योंकि उन्होंने पूरी श्योरिटी से, उन्होंने एक बिलीफ सी मेरे टीचर्स ने उन्होंने केपेबिलिटी के कि अगर मैं कुछ करा भी ना तो भी मैंने इन्ने मार्क्स स्कोर करवा दें। इसलिए फिर उन्होंने भी बहुत ज़्यादा गट फीलिंग आती सी कि उन्होंने कभी मतलब कोई शक ही नहीं सीधा कि मेरे मार्क्स घटने भी। इसलिए मैंने इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिला करके वो मेरे मार्क्स अच्छे है। सारे की मतलब सारे की सक्सैस सी मेरी कली भी नहीं है। जो मैं इस चीज़ को कहा कि हर बंदा सी मेरे पिछे, ईवन द स्टाफ जेडे कि इतने सारे काम करते थे, आंटीज एंड ऑल आयाज भी थे, उन्होंने भी इन्ना सपोर्ट किया। अगर मैं पानी चाहिए सी मैं उठा के नहीं देते, सिर्फ उन्होंने ये होंगे कि तू पढ़। वो उन्होंने हमेशा एक रिहा एक कोट रही सी उन्होंने करके मेरे बढ़िया मार्क्स आए। थोड़ा की एम है किस फील्ड में तुम स्टडी करना हायर स्टडी करना चाहोगे? सर मेरा एम मैं 5th स्टैंडर्ड में ही सैट कर गया सीगा क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर एक रिटायर्ड टीचर वो मैथमेटिक्स के टीचर रिटायर हुए हैं लॉकडाउन में सब्जेक्ट सीगा सीनियर स्कूल से रिटायर हुए थे। उन्होंने मैंने एक गल कही सी कि तू 5th स्टैंडर्ड में जो तू ड्रीम ले लिया कि तू ये बनना है तो ऑब्वियसली वो बनेगी बनी। तो मेरा उन्हीं गोल सेट है, मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। वो मे भी हो सकता है मैं इकोनॉमिक्स भी बना या बिजनेस स्टडीज भी, जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट रहे हैं। तो येस वो भी मैं कर रही हाँ एंड गो टू चंडीगढ़ एज वेल फॉर द कोचिंग। तो जेकर मैं अब्रॉड का भी एक चांस मिलता तो मैं उसे पढ़ के वापस इतने जरूर आऊँगी ताकि मैं अपनी कंट्री में डिवेलपमेंट के राह लैके जावा। तो लोगों ने सोच को बदला कि उत्थे जाके सिर्फ सैटल होना की गल होंगी, उत्थों आगे पढ़ के भी आके कुछ कर सकते। इस तरह थोड़ी गलों का पता लग रहा तुसीं स्टडीज़ वास्ते बहुत हार्ड वर्क किया है। चलो लास्ट टाइम जो स्कूल्स बंद रहे नहीं, बट उस तो पहला कभी स्टडीज़ तो अलावा किसी एक्टिविटी स्पोर्ट्स में भी कभी पार्टिसिपेट किया है? बट एक्टिविटीज़ तो मैं ये कहूँगी मैं केड़ा कॉम्पीटिशन सी जो छड्डिया होवे, ये सारा स्कूल स्टाफ द्वारा हर एक यूथ फैसटिवल्स भी होंगे सीगे लुधियाना के स्कूल्स नाल कंपीट करना। वो हर चीज़ साढ़े स्कूल ने सानू मटीरियल प्रोवाइड किया। कभी सानू स्ट्रैस लैन की जरूरत ही नहीं सी, कभी घर जाके कोई चीज़ प्रिपेयर करनी ही नहीं पई। इतनी हो जाता सी डेक्लामेशनस हो गई या कोई डिबेट कॉन्टेस्ट हो गया, हर चीज़ पार्टिसिपेट किया। तो हमेशा उन्होंने सानू बैकअप किया, सपोर्ट किया कि तुम पार्टिसिपेट करना है, कॉम्पिटिटिव स्किल्स रखो। ये ना सोचो कि तुम सिर्फ जितना ही, हर चीज़ आनी चाहिए। उन्होंने सानू मैनू स्पैशली उन्होंने एक ऑलराउंडर बनाया। मैं एक सिर्फ स्टडीज़ के बच्ची तो आज जाके जो मैंने कोई कभी आराम न डिबेट कर रहा है किसी भी टॉपिक पर मैं कर सकती, कोई भी पॉइंट मैंने दे दिता जाए तो उधर तो असं बोल सकते हैं। करंट अफेयर्स हो गए उन्होंने लिए सू पूरा अप टू डेट रखा जाता है। तो वो चीज़ है कि जो बेस्ट पार्ट सीधा कि नॉट ओनली इन स्टडीज़ कि मार्क्स का नो डाउट आ जाते, बट जो ये चीज़ा ने वो भी इंपॉर्टेंट ने अपनी लाइफ से इंडिस्पेंसेबल पार्ट है अपनी लाइफ का। वैसे ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਗਨ ਹੈ, ਜੋ 94.2% ਇਸ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਏਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਅਬਰੋਡ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਚ ਅਪ ਕਰ ਸਕਾਂ। तो जो तुम परसेंटेज हासिल की है ये वास्ते तुहानू की वर्क करना पाया, की हार्ड वर्क करना पाया, ये बारे तुम दसोगे? फॉर श्योर हार्डवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी सक्सेस गेन का। जो मोर ओवर टीचर्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा देगा, उन्होंने साढ़े कॉन्फिडेंस को बूस्टअप किया ताकि ऐसे सारे रॉकेट साइंस टास्क को ओवरकम कर सकिए। एंड पेरेंट्स को मेरा तो कुछ भी लाइफ के हो सकता है, पेरेंट्स का सबको इंपॉर्टेंट होंगे आ तो एट द लास्ट ऑलमाइटी गॉड जिन्हें करके कुछ भी नहीं इस लाइफ के हो सका। यही सब मेहनत करके मैं इतने यहाँ से मैं शायद एक सक्सेस अचीव कर सकी थे। ओके एंड जिवें कि देखिएगा लास्ट टाइम तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थीं तो बंद सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਮਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਲੌਸਮ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। पूरे रेगुलर टेस्ट हो रहे थे, कोई पार्शलिटी नहीं हो रही थी, कोई चीटिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं थी, पूरा एक बढ़िया एनवायरमेंट चलता था। एंड आई थैंकफुल टू द गुरुजी प्रिंसिपल मैम रेडकमेंट फॉर नाउ। तो नाम जी? मेरा नाम यशिका गुप्ता है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਾਮਰਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ 95.6 ਮਾਰਕਸ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹਰ ਸਕਸੈਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡਸ ਐਂਡ ਆਬਸਟੈਕਲਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅ ਬਲੇਸਿੰਗ ਆਫ ਗੋਡ ਐਂਡ ਆਲ ਮਾਈ ਟੀਚਰਸ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। गॉड तो ऑब्वियसली ब्लैसिंग्स अपने बच्चों से रहती हैं इन्हें, बट मेरे टीचर्स ने मैंने हर टाइम सपोर्ट किया, स्पेशली माई कोऑर्डिनेटर जिन्होंने मैंने हर टाइम इवन एट नाइट सोर्स मटीरियल, एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा डाउट्स, फालतू के ट्रिकी क्वेश्चन, हर चीज़ से सपोर्ट किया। उन्होंने मैंने थ्रैटिकल नाल बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज दी तो अज मैं इस चीज़ को बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती मार्क्स नाल एक्स्ट्रा नॉलेज भी बहुत। ओके जिस तरह हर किसी ने अपना एक एम डिसाइड किया होना है मैं इस स्टडी तो बाद इस स्टडी करांगा, मैं ये करांगी, इस तो बाद इसमें बिजनेस जावांगा, ऑफिस में सर्विस करांगा, तो हटा की एम वेल डेफिनेटली कॉमर्स एक न्यू लाइन सी मेरे लिए तो मैं इस लाइन ये प्रोफेशनली ऑप्ट किया जिसकी स्टडीज वैसे मैं इंडिया में रह के करना चाहती हूँ। बट इफ इन केस मैं अब्रॉड जाने चांस मिले मैं डेफिनेटली उस चांस को स्किप नहीं करूँगी। मैं उतों भी स्टडीज करके पूरे इंडिया में आके अपना एक रेप्यूटेड नेम बनाना चाहूँगी। इस सफलता वास्ते तुसी अपने टीचर्स, प्रिंसिपल मैम के स्टाफ या मैनेजमेंट मेंबर वास्ते कुछ कहना चाहोगे? डेफिनेटली किसी भी बच्चे की सफलता पिछले टीचर का सब तो बड़ा सपोर्ट मिलता है। जिस भी बच्चे उहदे टीचर्स मोटिवेट के उन्हें सपोर्ट करते हैं, चांस ही कि वह बच्चा कदे फेल हो जाए। सेम ही मेरे नाल होया, मैंने हर टीचर चाहे मेरे सबजैक्ट टीचर सी, प्रिंसिपल मैम सी, ईवन कि मेरे गाइड मिस्टर राजकुमार कक्कड़ जिन्होंने मैंने हर टाइम सपोर्ट किया तो अज उन्होंने सपोर्ट ना लिए कि मैं गर्व नाल कह सकती हूँ आई एम द टॉपर ऑफ ब्लॉसम कॉन्वेंट स्कूल। जिस तरह आप गल की है टीचर्स वालों, प्रिंसिपल मैम वालों, स्टाफ वालों तुहानूं बहुत सपोर्ट की गई, ਤੁਹਾਡੇ पेरेंट्स ਵੱਲੋਂ फादर मदर ਵੱਲੋਂ भी सपोर्ट की गई इस मुकाम को हासिल करने। वेल बिना पेरेंट्स की सपोर्ट तो बच्चा कुछ सोच भी नहीं सकता। मेरे पेरेंट्स बीइंग अ टीचर उन्होंने हर उस चीज़ की नॉलेज थी कि बच्चे को वधिया मार्क्स लैने लई की चाहिए एज वैल एज वधिया नॉलेज भी, तो उन्होंने हर टाइप का रिसोर्स मटीरियल, हर टाइप का एनवायरमेंट, साइलेंस चाहिए, नोट्स चाहिए, एक्स्ट्रा लैक्चर्स चाहिए, हर चीज़ से सपोर्ट किया। इनफैक्ट जे मैं अपना रिसोर्स मटीरियल देखा तो मैं अपने घर जाकर बहुत सारा खर्चा उत्ते करवाया, बट उन्होंने कभी इस चीज़ को माइंड नहीं किया तो उन्होंने सपोर्ट ना ली। आज मेरे को बहुत एक्सेसिव नॉलेज है तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट। आज जिवें कि तुसीं दस्सिया पेरेंट्स तुसीं बहुत ज़्यादा खर्चा करवाया है बट वो खर्चा दिख भी रहा है तुहाडी सफलता दे रही है। मेरा नाम रितिका मानसेल है। मैंने इस बार 12th के अंदर आर्ट्स के अंदर मैंने 94.6% लिए हैं। मैं अपना सफलता का कारण जो है वो अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को और मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इतनी हेल्प की है, मेरे को हर टाइम सपोर्ट किया। अगर मैंने मेरी जो क्लास मिस हो जाती थी इस ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे तो उन्होंने मुझे पूरे नोट्स भी दिए हैं और जिसके कारण मैंने मतलब ये सफलता हासिल की। आपके अकॉर्डिंग जो ऑफलाइन स्टडी ज़्यादा अच्छी है या ऑनलाइन स्टडी ज़्यादा अच्छी है? ऑब्वियसली ऑफलाइन स्टडी में ज़्यादा अच्छी है क्योंकि उसके अंदर हम टीचर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं, हमारे को फिजिकली अगर हमने कुछ पूछना है तो हमारे टाइम पूछ सकते हैं। बट अदरवाइज अगर देखा जाए तो ऑनलाइन भी मतलब ऐसे ख़राब नहीं थी, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और ओवरऑल ब्लॉसम कॉन्वेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्होंने जब हमें ऑन द स्पॉट जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम होती थी या कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वायरी है, तो हम रात को 1 बजे भी उनको फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगर कोई टेस्ट है या कुछ भी, तो टेस्ट सीरीज में तो उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी और हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो रेगुलरली लगती थी और हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमारा जो सिलेबस है वो टाइम टू टाइम सिलेबस कम्प्लीट हो रहा था या नहीं हुआ, तो हमारे कोई ऐसे टेंशन नहीं थी कि हमारा नहीं होगा या हम कर नहीं पाएंगे। जैसा कि अभी आप इस स्कूल को अभी अलविदा कहना चाहते हो, ठीक है, फिर भी कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहोगे जो स्कूल में आपके साथ हुआ है? मैंने ये स्कूल जो है आफ्टर आई कंप्लीट माय 10th फ्रॉम डिफरेंट स्कूल, मेरे को यहाँ पे सिर्फ 2 साल हुए हैं, बट यहाँ की जो मेमोरीज हैं वो बहुत अलग है। और मेमोरीज लाइक यहाँ कैंटीन के अंदर जो हमारा होता था कि रिसेस में हम सभी फ्रेंड्स इकट्ठे बैठ के अपने खाना, और मेरी जो यहाँ के जो टीचर्स का फ्रेंकली बिहेवियर, चाहे वो स्ट्रिक्ट भी होते थे प्राइवेट पढ़ाई के टाइम पे, पर अदरवाइज जब हमारा दूसरे हम फ्री है तो उन्होंने भी आके हमारे को ज्वाइन करना और हमारे साथ बैठ के मस्ती करनी, तो वो ऑब्वियसली वो भूल गई। तमनप्रीत कौर है, मैं प्लस 2 में 94.4% कितने तो मेरी ओवरऑल 3rd पोजीशन है क्लास विच। तो मेरी ये अचीवमेंट पिछले मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा हक है क्योंकि उन्होंने मैं सब तो बहुत सपोर्ट किया। मैं इन्नी काबिलियत नहीं सी अचीव करन दे, बट मेरे टीचर्स ने मैं कभी भी ये चीज़ फील नहीं कर दी कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट सी। उन्होंने मैं हमेशा वो चीज़ प्रोवाइड की जो मैं लोड सी, मैं इन्नी हेल्प की है कि मैं 94.4% अचीव किए ने। मेरे पेरेंट्स इन्ने ज़्यादा खुश ने मेरे परसेंटेज को कि उन्होंने मैंने उम्मीद सी मेरे तो ये चीज़ पहना। बट जदों तो मैं स्कूल ज्वाइन किया 10th में किसी को स्कूल तो 10th की है, इस स्कूल ने मेरे टीचर्स को भी एक प्राउड मोमेंट दिता जो मेरी परसेंटेज 94.4 आई। तो मेरे फादर इन्ने ज़्यादा हैप्पी सी मेरी इस परसेंटेज को, मेरा ब्रदर मेरी फैमिली। तो मैं इस चीज़ का थैंक्स सब तो पहले मैम को करना चाहवांगी, प्रिंसिपल मैम को, बिकॉज वो सानू रोज़ मॉर्निंग मोटिवेट करते सी कि असी एक राइट पाथ पर चलीए, अपने गोल्स पर ध्यान देइए कि असी अचीव करना कुछ। जे अगर आप अपना गोल डायरेक्ट करके रखोगे कि असी चीज़ अचीव करनी है तो असी सब कुछ अचीव कर सकते हैं। नथिंग इज पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ये फ्रेंड्स भी बड़े फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प की है, जिस चीज़ की लोड होनी, नोट्स की लोड होनी, अगर क्लास मिस हो जानी तो वो रिलेटेड कुछ भी टीचर्स ने समझाया, तो कोई डाउट होना क्लीयर कर देना, सब कुछ सारा कुछ। अगर आप देखे जाए लास्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस रही सी, बट ये डिपेंड बच्चे से तो टीचर्स दोनों से साढ़े जो कोर्स सू मिले। जरूरी नहीं होंगे कि बच्चे सिर्फ स्कूल ही पढ़ते हैं, बच्चे घर भी पढ़ते हैं, अपना बैक स्टडी करते हैं, बट अगर उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस दी जाए तो साढ़े टीचर्स ने प्रॉपर सू गाइड किया वा, तो प्रॉपर साड़ी हेल्प की। असी एनी टाइम उन्होंने कॉल करके डाउट क्लीयर कर सकते थे अपना। तो उन्होंने सब तो बड़ा थैंक्स है जोड़ा अभी अज इतने खड़े हाँ, इन्नी बड़ी अचीवमेंट असली हासिल की। इस सफलता तो बाद कि तुम दसोगे तो एम की है, तुम किस स्ट्रीम में या किस प्रोफेशन में जाना चाहते हो? देखो ये मैं डिसाइड पहला तो मैं किया कि मैं फैशन डिजाइनिंग करूँगी, बट कहते हैं जो वाहगुरू जी ने लिखा होता होना ही होंगे। अज मैं अपना मेरा ये लाइन चेंज हो गया, अज मैं बेकिंग कर रही हूँ। तो मैं केक सेलिंग का काम शुरू किया हुआ आफ्टर +2 मैं कोर्स किया वा, तो हूँ मैं दिल्ली तो भी उधर कोर्स कर रही हूँ ऑनलाइन। तो बट मेरा प्रोफेशन एक टीचिंग लाइन में भी हैगा वा। मैं आफ्टर स्टडीज़ अगर मेरा बेकिंग लाइन में इंटरेस्ट भी तो बहुत ज़्यादा है, अगर बाई चांस मैं नहीं बेकिंग लाइन में रह पाई तो मैं टीचर जरूर बनना चाहूँगी। मेरा लाइफ का इवेंट मैं +2 मेडिकल के एग्जाम्स देते हैं तो मेरे 95.6% अचीव की। ओके, सारे दर्शकों दसोगे भी तुसी ये जो 95.6 मार्क्स ले रहे, परसेंट मार्क्स ले रहे, इहदे पिछे की इंस्पिरेशन सी, किन्ना दी हेल्प तुहानू लैनी पई या किन्ना ने तुहाडे इस मार्क्स पिछे हेल्प की? फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड दा थैंक यू करते नंबर पिछे, उन्हां दे घर कुछ भी नहीं हो सकता। तो मोस्टली हार्डवर्क अपना हो गया, टीचर्स का हो गया, तो पेरेंट्स ने जिन्हें पूरे प्राइजलेस एफर्ट्स दिते हैं साढ़े पिछले नंबर के हेल्प की। जो सू चाहिए होया प्राइज जो भी प्रॉब्लम दे ऑनलाइन होई कुछ भी ऑफलाइन सारा हेल्प की हर प्रॉब्लम्स नाल साढ़े टीचर्स फ्रेंड्स पेरेंट्स सारे। तो नैक्सट की एम होएगा कि तुम इस एग्जाम तो बाद प्लस बाद की ज्वाइन करना चाहते हो? मेरा सपना डॉक्टर बनने का है, इसलिए डॉक्टर बनने नीट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये वास्ते तुम कुछ हेल्प भी लै रहे हो, गाइडेंस लै रहे हो, कोचिंग क्या लै रहे हो? हाँ जी, मैं कोचिंग लै रही हूँ। जशनप्रीत जी, जो तुम ये एग्जाम्स अचीवमेंट प्राप्त की है कि ये वास्ते तुम अपने टीचर्स प्रिंसिपल मैम वास्ते कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करती हूँ प्रिंसीपल मैम का, स्कूल के सारे टीचर्स का जिन्होंने इन्होंने इनकी सपोर्ट दी। कुछ दिन कुछ महीनों से ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस के होने के बावजूद भी इन्होंने इतना वधिया इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया, पूरे वधिया टेस्ट ले, सारा कुछ बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं इन्होंने फेस करनी पड़ी कि चाहे उसका ऑफलाइन या ऑनलाइन हो, पूरा वधिया इन्वायरमेंट दिता। स्कूल भी होंगे पूरी वधिया लाइब्रेरी इन्होंने प्रोवाइड की, आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते सी पीरियड्स दिते एक्स्ट्रा। बहुत बहुत धन्यवाद करते स्पैशल मैडिकल टीचर्स राज सर रंजीत सर, थैंक यू। ओके सम दसोगे सारे दर्शकों दसोगे कि तुसी इस अचीवमेंट तो बाद किस फील्ड में जाना चाहोगे, तक की एम तुसी रखे अगा अपने हायर स्टडी वास्ते? मैं टू स्ट्रीम्स चूज कीती ने अपने, सिविल इंजीनियरिंग एरोनॉटिक्स और मैं दोनों में डाउटफुल, बट मेरा इंटरेस्ट एरोनॉटिक्स एयरप्लेन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, सो मैं अब्रॉड जाके थोड़ी डिग्री करना। एक जो तुम अचीवमेंट हासिल की है ये बारे दसोगे तुम की वर्क करना पे? मैं बहुत हार्ड वर्क किया इस अचीवमेंट के लिए, मैं ट्यूशन भी अटेंड किया क्योंकि मैं रात को बहुत लेट भी घर आता रहा, तो मेरे टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा मेरे मेंटली एक्टिविटी उनके पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, कंट्रीब्यूशन किया मेरे लिए सक्सेस के लिए। ये सक्सेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ? ਯੈਸ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਵਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਬਾਈ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਾਈ ਬਹੁਤ कि ऑनलाइन ते ऑफलाइन स्टडी ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕਸੈਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਧਾ ਆਈ ਰੋਣ ਭਾਈ? ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਜੋ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਈਵਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਚੀਜ਼। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਖਿਲ ਬਹਿਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਲੱਸ 2 ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ 95.8% ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਏਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ये सारे दर्शकों में सुन मैंने स्टार्टेड अकाउंटेंट के प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ कि तुम्हारी फैमिली चो भी पहला किसी ने इस फील्ड में काम किया है या स्टडी की है ताकि तुम भी जाना चाहते हो? नहीं, मेरी पहले सारी फैमिली नॉन मेडिकल मेडिकल की, मैं पहले ही मैंने कॉमर्स स्ट्रीम वो की सीए बनना थोड़ा पूरा मतलब रुझान है, किसी इस पूरा इंटरेस्ट हो तो इसकी पूरी तुम बैकग्राउंड थोड़ी बहुत नॉलेज है या फिर स्टडी करके टाइम पता लगेगा? हाँ जी नॉलेज है मेरे को, मैं प्लस टू जो प्लस वन करता था मैं सीए वाले देखते रहता था, रोज ICAI के मेरे निकल होते थे नवे नवे डाउट्स या चैप्टर निकले सारे देखते रहते थे, नॉलेज है सीए पर कि जिस तरह कहीं देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टडी करने तो बाद अब्रॉड फॉरन जाना चाहते हैं कि थोड़ा भी कोई एम है तुम अब्रॉड फॉरन जाना चाहते हो? नहीं, अब्रॉड का मेरा कोई सोचना है नहीं, मैं इंडिया रह के इंडिया कुछ अचीव करना, अब्रॉड जाना। वर्ल्ड एशिया टीवी का मैं थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने अज सू एड्डी वड्डी ओपरचुनिटी दी कि असीं अपनी सक्सेस स्टोरी हर बच्चे शेयर कर सकें एज अ मीनस ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। थैंक यू।